चैनल इजी लाइफ विद वर्षा। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबको एक नया प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, जो मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू होगा। मैंने इसको 3 हफ्ते पहले ही ऑर्डर कर लिया था, 3 वीक से मैं इसे यूज कर रही हूँ अपने हेयर्स पे, ताकि मैं एक्चुअल में आपको बता सकूँ कि ये प्रोडक्ट कैसा है आपके हेयर्स के लिए। तो ये है वाओ का स्किन साइंस शैम्पू और कंडीशनर, दोनों मैंने ऑर्डर किया था। ये देखिए इसका ये ढक्कन टूट गया है, मुझसे निकल गया है और ये फिक्स हो नहीं रहा, तो मुझे ऐसे ही यूज करना पड़ रहा है इसको। और ये पंप फॉर्म में आता है, दोनों ही पंप फॉर्म में रहता है, इस तरीके की बॉटल होती है। अब ऑनियन से बनता है, रेड ऑनियन से। साथ ही साथ इसमें मेंशन किया गया है कि ये पैराबीन, मतलब नो पैराबीन, मिनरल ऑयल, सिलिकॉन्स, कलर पैक। तो एक्चुअल में इसमें सल्फेट फ्री होता है, पैराबीन फ्री होता है, ये कलर्स कुछ भी नहीं होता है, एकदम न्यूट्रल वाइट या ऐसे ही नेचुरल कलर होता है, कोई अलग कलर नहीं है इसमें। तो ये अपने बालों को इसमें दिया गया है कि बालों को स्ट्रेंथ, सॉफ्टन एंड रिस्टोर शाइन। तो सबसे पहले ये सब बाद में बात करेंगे, इससे पहले मैं आपको बता दूं इसके प्राइस की। तो इसका प्राइस जो है वो 499 रुपीज का है, एक दोनों 499 के हैं, लेकिन मुझे 699 में दोनों मिले हैं। और इसको मैंने डायरेक्टली वाओ स्किन साइंस के कंपनी या बोल सकते हो, मैंने वहां से ऑर्डर किया। मैंने किसी वैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट इधर से ऑर्डर नहीं किया था, तो मैंने डायरेक्ट वहां से ऑर्डर किया था। तो ये जो है सारे सभी हेयर्स के लिए है, मतलब सभी हर तरह के ऑयली हो या जैसे भी, सारे सब तरह के हेयर्स में आप यूज कर सकते हो इसको। अब इसकी सेल्फ लाइफ है 2023, यानी कि 2023 तक चलेगा ये। तो इसके बारे में तो सारी बातें हो गई, अब मैं एक्चुअल में बताती हूँ कि इसके यूज करने से आपको क्या रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले तो बात करूँ इसकी क्वालिटी की, क्वालिटी क्या क्वांटिटी। एक्चुअली जब आप हेयर वॉश करते हो तो आपने अगर ऑयलिंग की हुई है हेयर्स में, तो ये जो है ना आपके हेयर्स के ऑयल्स को जो है वो निकाल नहीं पाता है ये शैम्पू। या तो आप बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि 3 बार आप लोगे, मतलब एक बार वॉश किया, 2 बार 3 बार, मतलब 2 3 4 बार अगर आप लेते हो, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी तब ये आपके बालों से जो है वो तेल को बाहर निकाल पाता है। नहीं तो ये बालों को पूरी तरह से क्लीन नहीं कर पाता है, क्योंकि अब पता नहीं जो भी हो। और दूसरी चीज़ ये है कि बालों का झड़ना रोकने की जहाँ तक बात है, तो मैं आपसे बता दूँ कि देखिए अगर दिन भर में 100 तक बाल अगर गिरते हैं, कोई काउंट नहीं करता है, पर एक आइडिया लग जाता है कि अगर इतने बाल आपके झड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, नए बाल नहीं उग रहे हैं तो प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस ऑयल से अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो गिरना बंद हो जाएंगे, ये तो मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि मेरे हेयर फॉल मेरा नहीं था, मेरा बाल नहीं गिर रहा था। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नए बाल उगेंगे अगर आपके बाल झड़ रहे होंगे तो दूसरी चीज़ है कि इसमें झाग नहीं होता है, बहुत कम होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि झाग नहीं हुआ है तो मेरा हेयर मतलब साफ नहीं, बहुत लोगों को लगता है ना कि मेरा क्लीन नहीं हुआ है, मेरा स्कॉल्प वगैरह या हेयर्स वगैरह क्लीन नहीं हुए हैं, क्योंकि झाग नहीं होता, वो वैसे पानी का पानी, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपने पानी ही मतलब यूज़ कर रहे हो, आप थोड़ा बहुत ऐसा हाथ में लगता है, चिपचिपाहट होती है, लेकिन झाग नहीं होता है बहुत ज़्यादा। और लास्ट में मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि इससे जो है ना, क्योंकि हो सकता है शायद ये नेचुरल चीज़ों से बना है, वही ऑनियन से बना हुआ है, तो अगर आपके हेयर्स में खुजली हो रही है स्कैल्प में या किसी तरह के इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो दूर हो जाएगा। अगर आपके सर में खुजली होती है, किसी चीज़ से इरिटेशन होती है, तो वो सब चीज़ें दूर हो जाती हैं, क्योंकि भाई प्याज से बना हुआ है, प्याज में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो प्याज से तो आपकी जो है खुजली वगैरह, इरिटेशन वगैरह, इचिंग या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, तो वो आपके सर से दूर हो जाएगा। और बाल जो है, लेकिन इससे ना आपके बाल काफ़ी हद तक रफ हो जाते हैं, रूखे सूखे से दिखते हैं। और जो इसका कंडीशनर होता है ना, कंडीशनर तो मुझे लगता है कि कोई काम नहीं करता।
अगर आपको लगता है इससे अच्छा है कि आप ये शैम्पू यूज कर रहे हो तो कंडीशनर मत ऑर्डर करो, क्योंकि कंडीशनर का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। आप कितनी भी क्वांटिटी में कंडीशनर लगा लो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंडीशनर किसी तरीके से, मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ता कंडीशनर यूज करने से, मतलब बाल आपके वैसे के वैसे ही लगते हैं। तो ये जो शैम्पू है, शैम्पू अच्छा है बालों के लिए, लेकिन यही है कि अगर आपको कहीं जाना है और आपने बालों में ऑयलिंग की हुई है, तो मैं यही कहूंगी कि नेक्स्ट डे आप इस शैम्पू से तो बिल्कुल भी हेयर वॉश मत कीजिएगा, नहीं तो आप चंपू ही दिखने वाले हो, क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ऐसे ही बाल, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ऑयलिंग की, फर्स्ट डे जब मैंने हेयर वॉश किया था इससे, तो मेरे सर में ऑयल नहीं था। ज्यादातर क्या होता है कि मैं ऑयलिंग करने के बाद ही हेयर वॉश करती हूँ, लेकिन जब सेकेंड टाइम मैंने ऑयलिंग की और उसके बाद जब हेयर वॉश किया नेक्स्ट डे, तो मैंने 2 बार नहीं 3 बार इसको यूज किया था। मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि इसमें झाग नहीं हो रही थी, तो मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि ये मेरे हेयर्स को क्लीन नहीं करेगा अच्छे से। तो मैंने बहुत सारी क्वांटिटी में शैम्पू लिया, उसके बाद अपने घस घस के स्कैल्प को धोया, तो मुझे ठीक है साफ सुथरा तो लग रहा था, पर आपको पता है नीचे इस तरफ, मतलब मैंने इतना अच्छे से साफ किया, उसके बावजूद मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हेयर्स क्लीन नहीं है। और 1 या 2 दिन, मुझे लगता है उसके नेक्स्ट डे ही मुझे ऐसा लग रहा था, बाल आपके एकदम फ्रीजी हो जाते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि वो, जैसे आप जब अपने हेयर को वॉश कर लेते हो, तो जब 2-3 दिन के बाद आपको ऐसा लगता है कि एक नेचुरल जो अंदर से एक ऑयल होता है ना आपके बालों में, वो अंदर से एक ऑयलिंग लगती है ना, थोड़े से ऐसा लगता है कि ऑयली ऑयली हो गए हैं हेयर्स, तो मुझे नेक्स्ट डे ही वैसे ही लगने लगा था। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो शैम्पू है ठीक है, एवरेज है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि जो इन लोग ने बोला है कि हाँ भाई हेयर लंबे हो जाएंगे, शायद हाँ ग्रोथ हेयर्स की अच्छी हो रही होगी, क्योंकि 3 ही बार मुझे इतना कुछ खास नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा है, क्योंकि ऑनियन हेयर ग्रोथ के लिए काफी अच्छा होता है, और ये ऑनियन बेस्ड है तो ऑब्वियसली हेयर ग्रोथ तो होनी ही होनी है आपकी, लेकिन हेयर्स आपके रफ हो रहे हैं। और बालों का गिरने की जहां तक बात है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बालों का गिरना रोकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कोई खास स्मेल भी नहीं है, मतलब जैसे ऑनियन है तो ऑनियन की स्मेल नहीं है, या दूसरी मतलब एक लाइट लाइट सी स्मेल है जो कि अच्छी लगती है, मतलब इतनी बुरी नहीं लगती है, एक लाइट फ्रेग्रेंस है इसके अंदर, तो ठीक है आप यूज कर सकते हो। लेकिन जो इसका प्राइस है एक्चुअली, मतलब 499 प्राइस, और उसके बाद आप बालों में ये आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई मेरे हेयर्स, मतलब इसमें इतनी सारी चीजें दी गई हैं कि आपका बाल लंबे होंगे, आपके बाल शाइनी होंगे, सिल्की होंगे, हेयर ग्रोथ होगी, मतलब बहुत सारी चीजें दी गई हैं, बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, तो लोग मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ 499 का है तो इतनी सारी चीजें हमें मिल रही हैं, तो हर इंसान सोचता है कि चलो ठीक है प्राइस इतना है तो अच्छा है, बट अगर इसके प्राइस को लेके और मैं इसको बोलूं कि इतना प्राइस है और इतनी सारी क्वालिटी, तो मुझे नहीं लगता इससे, मतलब इतनी सारी क्वालिटी इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है, इससे तो आप ऐसा भी, मतलब नॉर्मल है कुछ नहीं, इसके प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत कम है, उसमें वो क्वालिटी नहीं है जो इसका प्राइस है। तो मैं यही कहूंगी कि भाई सोच समझ कर, आपको अगर पसंद है तो आप लीजिए, यूज कीजिए, हो सकता है कि भाई कुछ लोगों के हेयर्स सबके अलग अलग होते हैं, तो स्कैल्प वगैरह या हेयर्स जो हैं सबके अलग होते हैं, तो हो सकता है किसी को बहुत अच्छे से सूट कर जाए, तो मैं उसके लिए नहीं बोलूंगी, ये तो मेरे हेयर्स तो काफी रफ हो गए हैं, तो और हेयर ग्रोथ और बालों का झड़ना वगैरह वो सब तो कोई फर्क, खास फर्क पड़ता नहीं है इससे, तो आप अगर इसको बाय कर रहे हैं तो सोच समझ कर ही कीजिए, क्वांटिटी भी इसकी बहुत ज्यादा लगती है, इतना प्राइस है कि मुझे नहीं लगता है कि ये आपका अगर आप मतलब वीक में 3 बार 4 बार हेयर वॉश कर रहे हो, ये तो मुझे कहीं जाना नहीं, तो 1 वीक में 2 बार मतलब काफी, तो अगर आप ऑयलिंग करके हेयर वॉश कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये महीना भर भी आपका चलने वाला है, और फिर जब हेयर्स में कोई फर्क नहीं हो, बाल उड़े उड़े से दिखते हैं, तो बिल्कुल अपने को अच्छा नहीं लगता नहीं है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैंने इस वीडियो में मेरा कोई वो नहीं था, मैंने अपनी पर्सनल राय आपसे
बताई है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है 3 हफ्तों में इस शैम्पू के साथ। आई होप कि आप सब को पसंद आया होगा वीडियो, जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर इसके बावजूद आप इस शैम्पू को मंगाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली मंगा लीजिए, क्या पता आपके हेयर के लिए अच्छा हो, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं वैसे तो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलूंगी किसी नए प्रोडक्ट के रिव्यू को लेकर। बाय बाय, टेक केयर।